दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए अगस्त 2019 के फोर्थ वीक यानी कि अंतिम सप्ताह की 20 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर आए हैं। रोजगार समाचार की लेटेस्ट अपडेट है, 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें से कुछ भर्तियों के लिए आपको एग्जाम भी नहीं देना होगा और कुछ के लिए आपको आवेदन शुल्क भी जमा नहीं कराना होगा। 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताएं हैं जिनसे आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप इन भर्तियों के ऑफिशियल नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हिंदी में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगस्त 2019 के फोर्थ वीक की 20 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। फर्स्ट नंबर की जॉब साउथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंदर निकली है। MTS सर्वर, अकाउंट क्लर्क, अकाउंटेंट, जूनियर क्लर्क और भी पोस्ट है जो आप यहां से वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यहां पर हम आपको सभी डिटेल्स शॉर्ट्स में प्रोवाइड कराएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन सभी पोस्ट के लिए 88,585 है। सैलरी आपको 19,000 से 46,800 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट BTech डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 33 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप यहां से वीडियो पॉज करके देख सकते हो। सिलेक्शन यहां पर आपका रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है sccl.cil.in। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 19 अक्टूबर 2019 तक कर सकते हो। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें। इंडियन आर्मी के अंदर सोल्जर की पोस्ट के लिए बंपर भर्तियां निकली है जिनके लिए सैलरी आपको 15,600 से 39,100 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 17.5 साल से 25 साल तक की आयु सीमा वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करानी है। सिलेक्शन यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 26 सितंबर 2019 तक कर सकते हो। उसके बाद 12 अक्टूबर 2019 से 23 अक्टूबर 2019 तक रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब हम आपको थर्ड नंबर की जॉब के बारे में बता दें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति के अंदर ड्राइवर की पोस्ट के लिए 150 वैकेंसीज निकली है जिनके लिए सैलरी आपको 11,500 प्रति माह के हिसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी। 8वीं पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस धारक कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 21 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करानी है। सिलेक्शन यहां पर आपका ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन वेस्ट बंगाल है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है wbhealth.gov.in। इस भर्ती पर आप 24 सितंबर 2019 तक आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको फोर्थ नंबर की जॉब के बारे में बता दें। हाई कोर्ट के अंदर ग्रुप डी के दफ्तरी ऑर्डरली प्रोसेस सर्वर, कार्यालय चपरासी और मैसेंजर की पोस्ट के लिए 401 वैकेंसीज निकली है जिनके लिए सैलरी आपको 18,000 से 56,900 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। 8वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 42 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल और OBC के लिए 600 रुपये, SC/ST के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क है जो कि आप ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट और मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन उत्तराखंड है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है ubtr.in। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर 2019 तक कर सकते हो। अब हम आपको फिफ्थ नंबर की जॉब के बारे में बता दें। ITBP के अंदर ड्यूटी जज अटोर्नी, जनरल ड्यूटी कमांडेंट ग्रुप ए की पोस्ट के लिए बंपर भर्तियां निकली है जिनके लिए सैलरी आपको लेवल 11 के तहत प्रोवाइड करा दी जाएगी। 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 23 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप यहां से वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं।
सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है itbpolice.nic.in। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 20 अगस्त 2019 से 18 सितंबर 2019 तक कर सकते हो। अब हम आपको 6th नंबर की जॉब के बारे में बता दें। कर्मचारी चयन आयोग के अंदर जूनियर इंजीनियर जेई के एग्जाम 2019 के तहत वेरियस पोस्ट को भरा जाएगा, जहां पर सैलरी आपको 35,400 से 112,400 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिप्लोमा बी बी टेक डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 32 साल आपकी मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। जनरल और ओबीसी को 100 रुपये आवेदन शुल्क जमा कराना है। एससी एसटी को कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 12 सितंबर 2019 तक कर सकते हो। अब हम आपको 7th नंबर की जॉब के बारे में बता दें। पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए 102 वैकेंसीज निकली है, जिनके लिए सैलरी आपको 36,900 से 177,500 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 30 साल आपकी मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप यहां से वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। सिलेक्शन यहां पर आपका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जॉब लोकेशन तमिलनाडु है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है tnpsc.gov.in। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 11 सितंबर 2019 तक कर सकते हो। अब हम आपको 8 नंबर की जॉब के बारे में बता दें। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, रिवेन्यू अकाउंटेंट, इलेक्ट्रीशियन, डिविजनल एक्जीक्यूटिव अकाउंटेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, इंटरनल ऑडिटर और अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए 1,798 वैकेंसीज निकली है, जिनके लिए सैलरी आपको 6,400 से 86,100 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। 10वीं 12वीं पास, आईटीआई या फिर ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 37 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जॉब लोकेशन पंजाब है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है pspcl.in। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 20 अगस्त 2019 से 9 सितंबर 2019 तक कर सकते हो। अब हम आपको 9th नंबर की जॉब के बारे में बता दें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अंदर फैकल्टी और नॉन फैकल्टी के वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पर 53 वैकेंसीज निकली है, जिनके लिए सैलरी आपको लेवल 6 से 14 के तहत प्रोवाइड करा दी जाएगी। 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MBBS, MSc या फिर PhD डिग्री धारक कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 45 साल आपकी मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप यहां से वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। सिलेक्शन यहां पर आपका रिटर्न टेस्ट, स्किल या ट्रेड टेस्ट, प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जॉब लोकेशन अहमदाबाद गुजरात है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है nipram.ac.in। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 8 सितंबर 2019 तक कर सकते हो। अब हम आपको 10th नंबर की जॉब के बारे में बता दें। मैजोन डॉक लिमिटेड के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए 1,980 वैकेंसीज निकली है, जिनके लिए सैलरी आपको 13,200 से 83,180 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। 10वीं 12वीं आईटीआई पास या फिर डिप्लोमा धारक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 18 से 38 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप यहां से वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। सिलेक्शन यहां पर आपका ऑनलाइन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जॉब लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है mazondoc.in। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 5 सितंबर 2019 तक कर सकते हो। अब हम आपको 11th नंबर की जॉब के बारे में बता दें। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT के लिए 3,864 वैकेंसीज निकली है, जिनके लिए सैलरी आपको 47,600 से 151,100 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट प्लस BEd या प्लस HTET या HSCT पास किए हुए एग्जाम कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 42 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप यहां से वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। सिलेक्शन यहां पर आपका रिटर्न एग्जाम, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जॉब लोकेशन हरियाणा है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है hssc.gov.in। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 20 अगस्त 2019 से 5 सितंबर 2019
19 तक कर सकते हो। अब हम आपको 12th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, हाई कोर्ट के अंदर ड्राइवर ग्रुप सी के लिए 35 वैकेंसीज निकली है, जिनके लिए सैलरी आपको लेवल 5 के तहत प्रोवाइड करा दी जाएगी। 10वीं पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस धारक कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 27 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस यहाँ से आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका प्री एग्जाम, ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन दिल्ली है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है delhihighcourt.nic.in। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 5 सितंबर 2019 तक कर सकते हो। अब हम आपको 13th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंदर असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए 486 वैकेंसीज निकली है, जिनके लिए सैलरी आपको 5200 से 20200 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। 10वीं पास प्लस ITI पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप यहां से वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन यहां पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है upssc.gov.in। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 4 सितंबर 2019 तक कर सकते हो। अब हम आपको 14th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर सहायक इंस्पेक्टर असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर ड्यूप्यूटी स्टेट ऑफिसर और भी पद हैं, जिनके लिए 83 वैकेंसीज निकली है। सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट या फिर PhD धारक कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 54 साल आपकी मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप नोटिस से देख सकते हो। सिलेक्शन यहां पर आपका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन अहमदाबाद गुजरात है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है ahmedabadcity.gov.in। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 29 अगस्त 2019 से 3 सितंबर 2019 तक कर सकते हो। अब हम आपको 15th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड के अंदर क्लर्क अकाउंटेंट और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए 978 वैकेंसीज निकली है, जिनके लिए सैलरी आपको 35400 से 142400 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ग्रेजुएट बीकॉम बीटेक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 42 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। प्री ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन यहां पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन हरियाणा है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है harcobank.org.in। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त 2019 तक कर सकते हो। अब हम आपको 16th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड के अंदर ग्रेजुएट इंजीनियर और डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए 400 वैकेंसीज निकली है, जिनके लिए सैलरी आपको 5000 से 7000 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिग्री धारक या फिर डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट यहां पर रखी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करानी है। सिलेक्शन यहां पर आपका बिना किसी एग्जाम और इंटरव्यू के केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन बैंगलोर है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है bscom.org। इस भर्ती पर आप 31 अगस्त 2019 तक आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 17th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अंदर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर वेब एंड UI डिजाइनर की पोस्ट के लिए बंपर भर्तियां निकली है, जिनके लिए सैलरी आपको 25000 से 55000 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। MCA BBTech डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आपके लिए कोई अपर एज सीमा नहीं रखी गई है। जी हां दोस्तों, अपर आयु सीमा यहां पर आपके लिए नहीं रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करानी है। किसी भी एज के कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन यहां पर आपका बिना किसी एग्जाम के केवल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है tiss.edu। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त 2019 तक कर सकते हो। अब हम आपको 18th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए 150 वैकेंसीज निकली है, जिनके लिए सैलरी आपको 30000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी। डी फार्मा या बी फार्मा डिग्री धारक कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 35 साल मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करानी है। सिलेक्शन यहां पर आपका रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है upmsc.in। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 30 अगस्त 2019 तक कर सकते हो। अब हम आपको 19th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, ग्रामीण विकास विभाग के अंदर ग्राम रोजगार सहायक की पोस्ट के लिए 1962 वैकेंसी निकली है,
जिनके लिए सैलरी आपको 15,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी। 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। OMR बेस, मल्टीपल चॉइस, रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन त्रिपुरा है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है tripuraid.in। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 29 अगस्त 2019 तक कर सकते हो। अब हम आपको 20 यानी कि लास्ट नंबर की जॉब के बारे में बता दें। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अंदर असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए बंपर भर्तियां निकली है, जिनके लिए सैलरी आपको 30,000 से 1,20,000 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 35 साल आपकी मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आप वीडियो पॉज करके यहाँ से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन महाराष्ट्र है, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है rcfltd.com। इस भर्ती पर आप ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त 2019 तक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी अगस्त 2019 माह के अंतिम सप्ताह की 20 बड़ी भर्तियां। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इन भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल उनमें से रीड कर सकते हो। प्लस जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसी के नीचे ही आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड कराया गया है, जिसके माध्यम से आप सिंपली इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, उसी के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के साथ ही या फिर नीचे एप्लीकेशन फॉर्म की PDF का लिंक प्रोवाइड कराया गया है, जिसके माध्यम से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उनको भरकर लास्ट डेट से पहले पहले ऑफिशियल एड्रेस पर सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।